कोरोना में लॉकडाउन लग जाने से अब तक हजारों कामगार अपने अपने गांव पहुंच चुके हैं, तो वहीं बंगाल से आए 3 कामगारों ने रोजगार के लिए नागपुर सर्वोत्तम बताकर नागपुर पर पूरा विश्वास जताया है। पेश है बड़ी चौक से ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का बढ़ता संक्रमण देखकर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संचार बंदी लॉकडाउन लगा है। नागपुर जिले के अलग अलग शहरों में काम करने वाले दिहाड़ी कामगार बड़ी संख्या में नागपुर में आकर अपना रोजगार पाते हैं। ऐसे में कई दिहाड़ी कामगार अपने अपने राज्य गांव देहात में पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्हें इस शहर में रोजगार मिलने के और ऊपर से कोरोना महामारी आदि के चलते हो रही परेशानी को देखते हुए अब तक कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन कुछ ऐसे भी इस नागपुर को चाहने वाले कामगार हैं जो और कुछ मैंने नागपुर में रहना चाहते हैं। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता संजय बेरे, इन्होंने आगे देखते हैं। लॉकडाउन लगते शहर से दिहाड़ी कामगार अब अपने घर जा रहे हैं, ऐसे में कुछ बाहर गांव से रिटर्न में दिहाड़ी कामगार आए हुए उनसे जाना चाहेंगे। क्या नाम आपका, कहाँ जा रहे हो, क्या कहना चाहोगे? ओ, काम करने आया था, पैसा है बाकी है वही लेने आया हूँ। नागपुर में काम करते हो? हाँ। कहाँ से आए हो? बंगाल से। बंगाल से आए हो, तो बंगाल में काम नहीं मिल रहा है क्या जो आप नागपुर में आए हो? नहीं, वो सामान है, खाने पाने का सामान है, पैसा है, खरीद के रखा हूँ तो लेके जाना है, उस टाइम लेके नहीं गया इसीलिए लेने आया हूँ। फिर आप जाओगे तो फिर रिटर्न नागपुर आओगे? कैसा लग रहा है नागपुर में कामकाज, मिल रहा है? मिल रहा है तो है। जा क्यों रहे हो? लेकिन लॉकडाउन है, बीमारी है, इसीलिए डर तो सबको लगता है, लेकिन सावधानी से रहना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहोगे? जो बोला वही सेम जो बोला। कैसा लग रहा है काम करते हुए नागपुर में? अच्छा लग रहा है। फिर अभी आप अपने गांव जा रहे हो? नहीं, अभी गांव जाऊंगा, 1-1.5 महीने के बाद फिर आऊंगा। वही जो बोला वही है। क्या नाम है आपका? स्वागत माई थी। तो अभी आप बंगाल से नागपुर आए हो, अभी नागपुर से बंगाल जाओगे? हाँ जाऊंगा, भैया के साथ आया हूँ और भैया के साथ जाऊंगा। लॉकडाउन लगते ही ये धारणा लोगों में बनी हुई रहती है कि अभी अपना इस शहर में कोई नहीं, क्योंकि पैसे को लेकर तो तमाम ऐसे बातें जैसे अस्पताल हो या और भी कुछ जो सुविधा नहीं मिलती है, ऐसा इनका मानना, इसलिए कामगार लोग अब अपने गांव जा रहे हैं। मगर बंगाल से कुछ लोग, उनकी जो चीज़ें रही थी और 1-1.5 महीना यहां रहने की उन्होंने बात की है, फिर वे भी गांव जाने वाले। कहने का तात्पर्य है कि लॉकडाउन के चलते इसके पहले चरण में भी कई हजारों लाखों की संख्या में दिहाड़ी कामगार सड़क से पैदल अपने घर गए, और अब की बार कोरोना के ये पहले दिन में भी इस तरह का नज़ारा दिख रहा है। बल्डी से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।